तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक से इडियम्स एंड फ्रेज जी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 311-20 एडियम। ये 10 एडियम अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। आइए, फर्स्ट आप लोगों के सामने है स्वैग सॉन्ग। स्वैग सॉन्ग मतलब विदाई गीत, विदाई के टाइम का संगीत या मरने के बाद का गीत को क्या बोलते हैं? स्वैग सॉन्ग है ना। ये क्या है? द लास्ट सेरेमनी या फिर फेयरवेल है ना। आप लोग इसको याद कर लेते हैं, इससे एक गदर मूवी का एक सॉन्ग है, ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना, तूने जग छोड़ा है मुझको छोड़ के मत जाना। अब गाना वाना तो आता नहीं है, बट याद कराने के लिए आप लोगों को कर दिए है ना। स्वैग सॉन्ग, स्वैग सॉन्ग मतलब विदाई के टाइम में जो गाना गाया जाता है उसको कहते हैं स्वैग सॉन्ग। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग के सामने है श्वेत ऑफ वंश ब्रो। श्वेत ऑफ वंश ब्रो, ब्रो का यूज करते हैं भाई के लिए है ना, भाई के लिए ब्रो का यूज करते हैं। इस वंश मतलब किसी के, किसी का भाई है, उसने बहुत सारे श्वेत बढ़ाए, पसीना बहाए, पसीना टपक रहा है। गाना सुने होंगे, पसीना टपक रहा है, उसके भाई ने बहुत बहुत श्वेत बहा दिए SSC में सिलेक्शन के लिए। SSC में सिलेक्शन के लिए उसने क्या किया? कड़ी मेहनत किया, पसीना टपक रहा है फिर भी स्टडी जारी है, पसीना टपक रहा है फिर भी अध्ययन जारी है। मतलब वो क्या कर रहा है? कड़ी मेहनत कर रहा है, श्वेत बढ़ा बहा रहा है, हार्ड लेबर कड़ी मेहनत करना। ओके भैया, नेक्स्ट है स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड मतलब होता है घमंडी। स्वेल्ड हेड मतलब होता है घमंडी। स्वेल मतलब याद रखिएगा फूलना होता है। स्वेल मतलब फूलना, तो स्वेल मतलब फूला हुआ है, हेड मतलब सर। घमंड के कारण अगर दिमाग फूलल है, घमंड के कारण उसका सर जो है फूल गया है, सूज गया है ना। घमंड के कारण उसका सर जो है क्या हो गया है? सूज गया है। क्या होता है? स्वेल्ड हेडेड। स्वेल्ड हेड मतलब घमंडी है ना। कुछ लोग होते हैं जो घमंडी टाइप के होते, पैदे होते घमंडी है ना, उनका सर क्या होता है? फूल जाता है। क्या बोल रहा है? ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ या फिर कंसीटेड। नेक्स्ट आप लोग के सामने है स्वर्ण एनिमीज। स्वर्ण एनिमीज मतलब कट्टर दुश्मन। स्वर्ण को कर लेते हैं गोल्ड, सोना। स्वर्ण को कर लेते हैं गोल्ड, सोना। अगर आप किसी से दुश्मनी नहीं भी करेंगे ना, फिर भी लोग आपसे दुश्मनी कर लेंगे। क्यों? जब आपके पास गोल्ड हो, जब आपके पास सोना हो, जब आपके पास धन संपत्ति हो जाता है ना, तो लोग चाहते हैं आपको लूट लेना। अब देखिए ना क्या बोल रहा है, पीपल हंटिंग ईच अदर अलॉट। पूरा कोशिश, दुश्मनी नहीं, फुल्ली दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। आपको जीने ही नहीं देंगे, आपको जीने ही नहीं देंगे। दुश्मनी तो ऐसे मोटा मोटी मोस्टली दुश्मनी होता है, झगड़ा लड़ाई होते रहता है, लेकिन एक झगड़ा ऐसा जो तुम्हें जीने नहीं देंगे है ना, इसको कहते हैं स्वर्ण इनेमिज। मतलब 24 कैरेट का दुश्मनी को कहते हैं कट्टर दुश्मन। 24 कैरेट का सोना, शुद्ध सोना, वैसे 24 कैरेट का जो दुश्मनी होता है ना, उसी को कहते कट्टर दुश्मन। ओके, नेक्स्ट टेक अवे वंस ब्रीथ मतलब भौचक्का कर देना। बाप रे, किसी के बात को सुन के आप भौचक्का रह जाएगा, आपका सांस, किसी को देख के आप भौचक्का रह जाइएगा। यार ऐसा तो हम सोचे भी नहीं थे, उम्मीद भी नहीं किए थे तुम इस टाइप का कर सकते है ना। यस, तो क्या है ना, टेक अबे वंस ब्रीथ मतलब भौचक्का कर देना। टू ओवरवेल्म विद सरप्राइज, टू ओवरवेल्म विद सरप्राइज। ओके भैया, भौचक्का कर देना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेक अबे वंस ब्रीथ। टेक अबे वंस ब्रीथ हो तो क्या, भौचक्का कर दे। नेक्स्ट टेक बाय स्ट्रॉम, टेक बाय स्ट्रॉम मतलब होता है अचानक प्रभावित कर देना। यस,
स्ट्रॉम को याद अगर कर लिए तो बात खत्म। स्ट्रॉम मतलब तूफान, और तूफान आ जाने के बाद प्रभावित निश्चित है, जो स्ट्रक्चर है वो नहीं रहता है, बिगड़ जाता है, प्रभावित हो जाता है, चाहे वो एरिया, चाहे वो पर्सन, चाहे वो वस्तु, कोई भी चीज हो, तूफान के बाद पूरे उलट पुलट जाता है, प्रभावित हो जाता है। अभी कुछ देर पहले देखे थे सब कुछ ठीक था, अभी तूफान आया, अचानक सब कुछ प्रभावित हो गया, है ना, चितर बितर हो गया। टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। नेक्स्ट है टेक इनटू अकाउंट पर विचार करना। टेक इनटू अकाउंट पर विचार करना, एक बार की बात है, गए अकाउंट चेक करवाने, मैनेजर साहब देखते हैं अकाउंट और देखे तो देखते ही रह गए, विचार करने लगे। हम पूछे, देखे मैनेजर साहब ये अकाउंट सेविंग अकाउंट था तो ये बंद क्यों हुआ, रीजन क्या है बताइए। अब विचार करते रह गए, सोचते रह गए, है ना। तो क्या है, टेक इनटू अकाउंट, याद रहे सेविंग अकाउंट किसी बैंक वाले का पावर नहीं है जो आपको बंद कर दे, आपको माइनस में डाल दे, है ना। अड़ जाइए, वो विचार करते रह जाएगा, अंतिम में वो सारा माइनस आपका इक्वल कर देगा, है ना, माइनस में जा ही नहीं सकता सेविंग अकाउंट। ओके जी, नेक्स्ट, टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के शब्दों को मान लेना, मतलब क्या है, किसी के कहने पर विश्वास करना। कोई कुछ बोला और आप बोले यस सर सही बोले आप, सही पकड़े, है ना, मतलब किसी के बातों पर विश्वास कर लेना, मतलब किसी ने कुछ बोला उस बात को आप उस पर विश्वास कर लिए, मतलब क्या हो गया, किसी के कहने पर विश्वास करना। ओके, क्या है, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसेरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस। ओके, नेक्स्ट आप लोग के सामने है, टेक द बुल बाय द हॉर्न, संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना। क्या बताए, एक बार मार्केट से आ रहे थे, सामने पड़ गया बुल, क्या है, बुल। अब बुल जो है पूरा परेशान कर, लग रहा है क्या जो अब मार देगा, हम भी का करे, पकड़े उसका हॉर्न, मतलब सिंग, और लग गए, ऐसे भी मरना है, लगा दिए, है ना। संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, पूरा मार्केट थम गया, यार ये युद्ध नहीं महायुद्ध हो रहा है ना, ये युद्ध नहीं महायुद्ध हो रहा है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना। नेक्स्ट वर्ड, वैसे इधर देखिए क्या बोला है, टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी, है ना, डिफिकल्टी को फेस किया बहुत 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 डेंजरस वे में। एक क्या है आप लोग का, टेक टू वंस हिल्स, मतलब भाग जाना, टेक टू वंस हिल्स मतलब भाग जाना। एक बात बताइए आप लोग, मोस्टली जो लड़कियां होती है ना, लड़कियां लोग हाई हील प्रेफर करती है, अगर पार्टी वार्टी में जाना, पापा हाई हील चाहिए, है ना, हाई हील, यस, ये हाई हील से ना उनका लुक थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, यस, उसी अट्रैक्टिव के कारण ना कभी पार्टी वार्टी में किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, और अट्रैक्शन के कारण वो पगला उसको लेके भाग जाता है, यस, पगला लेके भाग जाता है, हाई हील से ही तो शुरुआत हुआ था। और कभी कभी लड़कियों का मामला, जिसके पास है नहीं, देख यार इसका बहुत मस्ट हाई हील है, देखिए मौका मिला पकड़ी भाग गई लेके, यस, तो याद रहेगा टेक टू वंस हिल मतलब भाग जाना,
टू रन अवे। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों से शेयर कीजिए, कंटिन्यू वीडियो देखा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।